डेल्टा पीएलसी की सीरीज में आप लोगों का वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन के ऊपर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं कि एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन करा है कि हम डेल्टा पीएलसी के अंदर फ्लोट वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस किस तरीके से करें, बेसिकली फ्लोट वैल्यूज का कैलकुलेशन किस तरीके से करें। तो आज हम इस वीडियो में यही सब चीजें देखेंगे कि ऐड, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक्सपोनेंशियल्स कौन कौन से इसके अंदर ऐसे मेथड्स हैं जो कैलकुलेशंस को इजी करेंगे यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज की। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इतने लंबे गैप के बाद मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी में वीडियो डालता रहूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेल्टा WPL का सॉफ्टवेयर ही यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेल्प में जाएंगे और पीएलसी इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेशल रजिस्टर रेफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ पर आप क्लिक करिए। दोस्तों, इस चीज का बताने का लॉजिक बस मेरा ये है कि आप जो है एक बार इस सॉफ्टवेयर को, जो भी चीजें आपको यूज करनी है, आप उसको एक बार पढ़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर डिवाइस रेंज देखते हैं। तो डिवाइस रेंज यहाँ पर ES, EX, SS, ये एक सीरीज है। हम यहाँ पर जो सीरीज यूज करने वाले हैं वो SA, SX और SC की सीरीज का कोई भी एक मॉडल यूज करेंगे। बेसिकली देखते हैं तो SA लेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या है, डाटा फाइल्स कौन कौन सी होती थी, मैंने बताया था आपको पहले भी, जब मैंने एलन ब्रैडली में शुरू किया था तो आपके पास डाटा फाइल्स कितनी थी, 8 डाटा फाइल्स थी। तो जिसमें क्या कौन कौन सी डाटा फाइल्स थी आपके पास, आउटपुट थी, इनपुट थी, स्टेटस थी, बिट की थी, टाइमर, काउंटर, कंट्रोल और इंटीजर। तो दोस्तों, यहाँ इंटीजर जो है वो एलन ब्रैडली में था, लेकिन यहाँ पर जो इंटीजर्स हैं वो किस में है, डेटा रजिस्टर्स में है आपके पास और एक मेमोरी रजिस्टर्स में है। तो हम यहाँ पर देखेंगे खाली कौन से रजिस्टर्स हैं हमारे पास, डेटा रजिस्टर्स हैं, और कॉन्स्टेंट कौन कौन सी वैल्यूज में है, डेसीमल फॉर्म में है और एक हेक्साडेसिमल फॉर्म्स में है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बैक होके यहाँ पर ये दे रखा है आपका फ्लोटिंग ऑपरेशंस। तो आप फ्लोटिंग ऑपरेशंस पे क्लिक करिए। तो देखिए, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो आपके कौन से ऑपरेशंस हैं, सारे फ्लोटिंग वाले ऑपरेशंस हैं जो कि आपके फ्लोट वैल्यूज पर काम करते हैं। फ्लोट वैल्यूज कौन सी हैं, जो आपकी डेसिमल फॉर्म की वैल्यूज हैं, जैसे 1.234 या 10.234, इस तरीके की जो वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, वो आपकी फ्लोट वैल्यूज में आती हैं। तो देखिए, यहाँ जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे दे रखे हैं, DECMP यानी बाइनरी फ्लोट पॉइंट कंपैरिजन, बाइनरी फ्लोट पॉइंट, जो भी आपकी बाइनरी फ्लोट पॉइंट की जो वैल्यू है बाइनरी में उसका कंपैरिजन करेंगे। DMOVE R यानी फ्लोट पॉइंट डाटा मूव, जो भी आपकी फ्लोट वैल्यू है उसको मूव कराने के लिए। डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री करने के लिए कन्वर्ट है आपके पास। कन्वर्ट बाइनरी फ्लोटिंग टू डेसिमल फ्लोटिंग, जो बाइनरी फ्लोटिंग होती है जैसे 1100.0011, जो बाइनरी की वैल्यूज है वो आपकी डेसिमल फ्लोटिंग में बन जाएगी, और डेसिमल फ्लोटिंग की वैल्यू किस में बन जाएगी, बाइनरी फ्लोटिंग में बन जाएगी। और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज है वो 16 बिट और 32 बिट के लिए है। देखिए, एड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लीकेशन है और डिविजन भी है। तो हम सबसे पहले इसको कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले बेसिकली हम क्या यूज कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। सबसे पहले हम ये करके देखेंगे तो हमें और बाकी सारी चीजें भी समझ में आ जाएंगी कि हमको उनको किस तरीके से लेकर चलना है। अगर आपको ये सारे ब्लॉक यूज करने हैं तो आप यहाँ पर ये ब्लॉक को क्लिक करके उसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर DEDIV बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन के लिए देखते हैं तो यहाँ पर ये आ जाता है S1 S2, यानी डिविडेंड, डिविजर और डी में क्या आएगा आपका क्वेश्चन, सिंपल। और यहाँ KHD का मतलब क्या है, डेसिमल वैल्यू, हेक्साडेसिमल वैल्यू और डेटा रजिस्टर्स पे वैल्यू, और जो आपका आंसर जाएगा वो कहाँ जाएगा, डेटा रजिस्टर्स में, यानी D जो आपका ब्लॉक है। ओके फ्रेंड, तो बैक जाते हैं और हम यहाँ पर फिर से आ जाते हैं DADR में, यानी DAD एड, यानी ADD और R, यहाँ पर ये सब फ्लोटिंग्स के लिए दिया हुआ है। तो देखिए, DADDR में भी S1, S2 और D। तो यहाँ पर इनपुट कैसे दे सकते हैं, या तो आप डेटा का इनपुट दे सकते हैं या कोई अपने आप पास से फ्लोटिंग
नंबर भी दे सकते हैं जो आपको ऐड कराना है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम न्यू में जाएंगे और अपना मॉडल जो है वो एस ए टू सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते। तो यहाँ पर ये यह आपका लैडर मोड आ गया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एल डी, यानी एक एनो नॉर्मली ओपन एल डी के लिए। अगर आपको ये मिनोनिक्स, अगर आपको ये अगर आपको ये मिनिमोनिक्स याद नहीं है तो आप यहाँ से फिर से जाके हेल्प में जाइए, कैंसिल हेल्प में जाइए और पीएलसी एसएफआर में जाइए। तो देखिए एलडी एलडी आई यानी लोड ए लोड बी, ये होता है एनओ के लिए और ये होता है एनसी के लिए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, या F1 टाइप करेंगे तो F1 को प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन, F2 टाइप करेंगे तो नॉर्मली क्लोज। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको कीबोर्ड से L प्रेस करते ही आपके पास कमांड लाइन आ जाती है। एल डी स्पेस देंगे X1, यानी यहाँ पर जो इनपुट्स हैं वो X से डिनोट हो रहे हैं और 1 क्या है उसका एड्रेस X1। ओके देन मैं लिखता हूँ यहाँ पर D D A D D R, यानी मैं ऐड करना चाहता हूँ, स्पेस देके फ्लोट वैल्यू कोई भी डाल देता हूँ मैं। फ्लोट वैल्यू यहाँ मैं अभी डेटा से डेटा रजिस्टर्स की वैल्यू नहीं लूंगा, यहाँ मैं अपने पास से एक वैल्यू डालता हूँ क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई यहाँ पर एनालॉग इनपुट के लिए सप्लाई नहीं है, ना ही मेरे पास कोई यहाँ पर एनालॉग इनपुट है। तो मैं सिमुलेशन में चला के दिखाऊंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक F प्रेस करके 1 टाइप किया मैंने, 1.55 ओके 1.555 वैल्यू ले ली मैंने कोई, ये एक फ्लोट वैल्यू होगी डेसिमल वैल्यू। स्पेस देके अनदर फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ मैं F टाइप करके 2.555 ओके। और इसको मैं सेव कराना चाहता हूँ अपने डी, जो डेटा रजिस्टर है मेरा, एड्रेस दे दिया उसका 10 D10 में और उसको कर दिया मैंने ओके। तो देखिए यहाँ पर ये एक फ्लोट वैल्यू है 1.55 और ये है 2.55 और जो कि वैल्यू कहाँ जाके सेव होनी है D10 में। अनदर लाइन में लेता हूँ मैं LDX2 ओके, यहाँ पर मैंने LDX2 लिया। अनदर मैं यहाँ पर कौन सा ले लेता हूँ, D SUBR सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं किसको, फ्लोट वैल्यू में से 2.555 अनदर फ्लोट वैल्यू माइनस जो करनी है मुझे मान लीजिए 1.555 और इसको मैंने सेव कराया D20, ये मैंने डेटा रजिस्टर का एड्रेस दे दिया। अब मैंने यहाँ पे लिया LDX3 ओके, स्पेस नहीं दिया मैंने एक्स में, LDX3। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ LDUMR, ये मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे जो मल्टीप्लिकेशन कराना है वो किस किस वैल्यूज का कराना है, मैं यहाँ पर फ्लोट वैल्यूज नहीं दूंगा। अब मैं डेटा में से जो मैं मान लीजिए जो मेरे पास एनालॉग में से कहीं से मुझे वैल्यूज आ रही हैं तो उसको किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो एक डेटा रजिस्टर के अंदर आएगी या मेमोरी रजिस्टर के अंदर आएगी, तो मैं उसका एड्रेस दूंगा D10 एंड D20 और इसका जो मैं आउटपुट लेना चाहता हूँ D50 में। तो हेयर देखिए, पहली रंग में मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले ली अपने पास से कोई और दूसरी फ्लोट वैल्यू ले ली, उसका क्या कराया मैंने एडिशन करा के एक D10 रजिस्टर में सेव करा लिया। रजिस्टर क्या होता है, एक मेमोरी रैक है जहां पर आपका ये सेव हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने एक और रंग में X2 एक इनपुट लिया है और ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होकर वो D20 में जाएगी। देन अगर हम X3 को प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो D10 के अंदर जो कि इसका हमें आउटपुट है और इसका आउटपुट है, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो देखते हैं इसका सिमुलेशन करके। तो हमने सिमुलेटर ऑन किया, कोड वेरिफिकेशन कर लिया, PLC के अंदर राइट किया, देन ऑनलाइन मोड में गए और इसको फिर हमने ये रन किया। तो देखिए यहाँ पर देखिए K10 यहाँ पर अभी क्या है, निल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे
मॉनिटरिंग डेटा और ये फ्लोट। तो अब देखिए जो हमारे पास वैल्यू है वो अब किस में आ गई, फ्लोट के अंदर आ गई। जो भी हमारे पास वैल्यू है वो फ्लोट के अंदर, यानी 0.00। कितने जीरो हैं? 3। मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 3। अगर हमें फ्लोट फॉर्मेट की सेटिंग करनी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और जीरो बढ़ा देंगे और यानी हम 50 तक देख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद 5 डिजिट बढ़ गए। सो अब ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, इसका एडिशन करते हैं तो सेट ऑन किया तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ ये एडिशन इसका मिल गया और इसको फिर हमने सेट ऑफ कर दिया। देन अब जो ये वैल्यू है और हमने फिर x2 को ऑन किया तो देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन मिल गया। यहाँ पर इन दोनों का क्या मिला हमको? एडिशन मिला। और यहाँ पर क्या मिला नेक्स्ट रंग में हमको? इसका सब्ट्रैक्शन मिल गया। ओके देन जब हम x3 को हम यहाँ पर हाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर d10 में ये वैल्यू है और d20 में ये वैल्यू है, तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर d50 के अंदर जाएगा। तो देखिए d50 के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम इन फ्लोट वैल्यूज का यूज करेंगे। सो और ये फंक्शंस हैं जो हमारे पास फ्लोटिंग ऑपरेशंस में हैं, जैसे कंपेयर का है, कन्वर्ट का है और एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस का है, नेचुरल लॉगरिथम का है और आपका कन्वर्ट बाइनरी फ्लोट टू इंटीजर्स का है और साइन कोसाइन फंक्शंस का है। इसी तरीके से यहाँ सारे जो भी आप पास ये फ्लोट वैल्यूज हैं इनके फंक्शंस हैं। और देखिए यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्टैक्ट टाइप्स हैं, यानी इनका कंपैरिजन है कि जैसे हम यहाँ पर करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कर सकते हैं फ्लोट वैल्यूज के साथ। जो भी आपकी फ्लोट वैल्यूज कंपैरिजन है वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस जो सीरीज में है वो यही सारा कुछ है जो फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ हम कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और जो ये फंक्शंस हैं ये आप खुद यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। मेरा बस मेन जो मोटो था यहाँ पर आपको लॉजिक समझाने का था कि आप किस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज को एंटर कराएंगे, कि आपको कैसे डेटा में वैल्यू एंटर करानी है। जो भी आपके पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जैसे टेम्परेचर सेंसर है, कोई भी अगर आपके पास सेंसर है तो वो एक करंट देगा या वोल्टेज देगा, आप उसको अपनी वैल्यूज के साथ किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपके एक रजिस्टर में आके सेव होती है, या तो एक आपका जो होता है डेटा रजिस्टर होता है या मेमोरी रजिस्टर होता है, तो वहां आके सेव होती है। आप उसमें क्या कर सकते हो कि जो भी आप इसका ब्लॉक ले रहे हो, ADDR ले रहे हो या मल्टीप्लिकेशन का ब्लॉक ले रहे हो, तो उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो आप एक एक जो एड्रेस है उसमें क्या रखेंगे, M का एड्रेस रखेंगे और एक डेटा का एड्रेस रखेंगे और एक अनदर मेमोरी रजिस्टर्स के अंदर या मेमोरी का जो इसका एक ब्लॉक है उसके अंदर आप अपना डाटा सेव करा के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो या कैलकुलेशन के लिए आगे ले सकते हो। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों,